यूपी के चढ़ते चुनावी पारे पर ब्रेक नहीं लगा पा रही है। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी के ब्रेक ऑफ करके आए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी साइकिल पर बैठा लिया। उनके साथ योगी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी और बीजेपी खेमे के 6 विधायक भी साइकिल पर सवार हो गए। अखिलेश इसे अपना मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं क्योंकि इस टीम के जरिए वो बीजेपी के उस वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं जिसके दम पर बीजेपी यूपी में तीसरी मर्तबा चुनावी हैट्रिक की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि ये चुनाव 80-20 का है। अब अखिलेश इसे 85-15 करने में लगे हुए हैं और यूपी की जीत भी इन्हीं दो फॉर्मूलों में छुपी हुई है। अब ये फॉर्मूले हैं क्या, कैसे इसके लिए दाव और पेच चले जा रहे हैं, समझने के लिए हमारे संवाददाता पंकज झा, रणवीर और अजय दुबे की इन डेप्थ रिपोर्ट आप देखिए। ये है समाजवादी कॉन्फिडेंस, और हो भी क्यों ना, चुनाव के चरम पर सरकार के 2 मंत्री और 6 विधायकों को अपने मंच पर देखकर किसी भी विपक्षी पार्टी का कॉन्फिडेंस आसमान पर तो चला ही जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश को लगता है कि उन्हें जीत का तिलस्मी दरवाजा खोलने का मंत्र मिल गया है और उस मंत्र का मंत्रोच्चार भी आज मंच पर जमकर हुआ। वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर, हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। आप कहते हो, नारा दे रहे हैं 80-20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15-85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। इस 80-20 और 85-15 के फॉर्मूले को ही यूपी में जीत का मंत्र माना जा रहा है। अब किसका फॉर्मूला फिट हुआ ये तो 10 मार्च को पता लग ही जाएगा, लेकिन इसी फॉर्मूले को फिट करने की जुगत में अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी टीम को लाल पगड़ी पहनाई है और इसीलिए फॉर्मूले को समझ लीजिए। 80-20 के फॉर्मूले के मुताबिक 80% हिंदू वोट और 20% मुस्लिम वोट, और 85-15 का फॉर्मूला कहता है 85% पिछड़ी जातियाँ जिसमें OBC और SC ST शामिल है, साथ में मुस्लिम भी, और 15% अगड़ी जातियाँ। बीजेपी 80-20 के फॉर्मूले से यूपी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है और अखिलेश 85-15 का फॉर्मूला फिट कर जीत का सहरा पहनने की कोशिश में है। चुनाव 80-20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। ये जो 80-20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे, और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। दरअसल बीजेपी यूपी में हिंदुत्व का कार्ड चलाना चाहती है, वहीं अखिलेश यादव पिछड़ी जातियों का कार्ड चलाने में जुटे हुए हैं। माना जाता है कि यूपी में भी यादव पहले से ही अखिलेश यादव के साथ है, ऐसे में अब अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के दम पर नॉन यादव OBC को अपने खेमे में लाने में जुटे हुए हैं। इसी वजह से लाल टोपी पहनाने वाले मंच पर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है। बीजेपी भी अखिलेश की रणनीति से बेखबर नहीं है, इसीलिए वो लगातार अखिलेश के जाति कार्ड को अपने ट्रम्प कार्ड से काटने की जुगत में है। ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछाल कर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी, चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य।
सरकार बनावाएं दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ओबीसी और दलितों को गुमराह करने का प्रयास है, मगर वो होंगे नहीं। और उसका कारण बता देता हूं, इस देश के अंदर सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि अखिलेश और स्वामी की डील पुरानी थी, लेकिन अब जब इससे पर्दा पूरी तरह उठ गया है, अखिलेश का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं, कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है। योगी सरकार के मंत्री और विधायकों को अपने साथ लाने के बाद अखिलेश खुद को सत्ता की कुर्सी के बेहद नजदीक मान रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि सियासत में नेता अपना नफा नुकसान तौल कर ही फैसला लेते हैं, और यही कारण है कि अखिलेश को अपने बढ़ते कुंबे को संभालना बेहद मुश्किल होगा। देखिए, सेंधमारी अखिलेश के लिए फायदे का सौदा रही या नुकसान का सौदा, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन अभी इससे उनकी कई चुनौतियां बढ़ जाती है। जैसा अभी आप अजय दुबे को सुन रहे थे, अखिलेश ने जिन विधायकों को शामिल किया है उनका टिकट बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि जिस सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा वहां मौजूदा दावेदार को मनाना या बगावत से निपटना बड़ी चुनौती है। अखिलेश के खेमे में उनके सीधी प्रतिद्वंदी बीजेपी के खेमे से लोग आए हुए हैं, उनके साथ कार्यकर्ता सामंजस्य कैसे बनाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि भारतीय राजनीति में दल बदल का इतिहास पुराना है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमने देखा कि ये जीत की गारंटी तो नहीं है, और अखिलेश ये बात जानते हैं। अब अखिलेश ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी के खिलाफ है और बीजेपी इससे परेशान जरूर है। शायद यही वजह है कि आज सीएम योगी से जब इस्तीफा देने वाले विधायकों के बारे में पूछा गया तो वो कुछ ऐसा कह गए जो अखिलेश के लिए हथियार बन सकता है। महाराज जी, विपक्ष आप पे दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, और खास करके वो लोग जो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। योगी के इस बयान से विपक्ष को पार्टी पर हमले का मौका मिल सकता है और इससे चुनावी नुकसान होने का डर है, इसीलिए अब बीजेपी ने एक नई रणनीति पर काम शुरू किया है। बीजेपी ने फैसला किया है कि पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के खिलाफ अब कोई भी बयान नहीं देगा, इनके खिलाफ कोई बात नहीं कही जाएगी। हाँ, अखिलेश यादव पर हमला जारी रहेगा और उन्हें पिछड़ा विरोधी बताया जाता रहेगा ताकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को पलटवार का मौका ना मिल सके। इसके साथ ही अब बीजेपी ओबीसी को लेकर अखिलेश पर हमले से ज्यादा ये बताने की कोशिश करेगी कि वो कैसे पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही ओबीसी समाज से आते हैं, इसीलिए अब इनकी अगुवाई में बीजेपी अखिलेश के अटैक को कुंद करने की पुरजोर कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।